भाई क्या टोपी ड्रामे है और ड्रामेबाज। पहले तो तू कह रहा था कि मैंने छोड़ दिया और अब यार ऐसी बात नहीं है यार। Let me see what I can do. अभी तुम जाओ, कल आना, देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैसे भी ये गम से आजादी और बेफिक्री इंसान को ऐसे केके लगाने पे मजबूर कर देती है। सफीना, सफीना। सकीना वो तुम दरअसल मैं बहुत मुश्किल लग रहा है बात करना। देखो मैं मिलकर तुम्हें तफसील से सारी बात बताता हूँ। हाँ मुझे भी तुमसे मिलना है। हाँ ठीक है तो फिर कल सुबह। अभी इसी वक्त। लेकिन इस वक्त तो बहुत रात हो चुकी है। मैं हॉस्टल के मेन गेट पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नहीं नहीं ऐसी मुझे वहम हो रहा है। उसने तो मुझे खुद मिलने के लिए बुलाया है। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो वो मुझे मिलने के लिए भी बुलाते। बस हैरान है। वैसे भी वो मेरी हर बात पे यकीन कर लेती है, मेरा हर बहाना मान लेती है। इस बार भी बहन जाएगी। हाँ इस बार भी बहन जाएगी। सकीना तुम वहां रुकी क्यों नहीं? तो मैं बताना चाहता था कि मैं बेगम अफंदी के पास गया इसलिए था कि तुम पे बराए फरोख्त का लेबल एक दफा फिर लग चुका है। अपनी बोली लगवाने सकीना चिल्लाओ मत हारून। तुम्हारी चीख भी अब खोखली है तुम्हारी तरह, जैसे झूठ खोखला होता है और हमेशा कमजोर होता है। कैसा झूठ? हाँ? कौन सा खौफ? मैं नहीं जानता ये सब। सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता और तुम मेरी दुनिया का वाहिद और सबसे बड़ा सच हो, बाकी सब बकवास। हाँ बाकी सब बकवास। तुम तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी बातें सब बकवास है। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कभी नहीं सच का पता चलेगा? तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है हारून, लेकिन जब मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा तो मेरा रब मेरे साथ कैसे बुरा होने देता? देखो सकीना तुम्हें गलत तो रहो मुझसे। हाथ मत लगाना मुझे हर तो ये गंदे गलीज हाथ दूर रखो मेरे वजूद से। नफरत है मुझे इन हाथों से जो दो वक्त की हलाल रोटी भी नहीं कमा सकते। मैंने अपनी खाला अपनी नानी से
अपने खून के रिश्तों से यह हक छीन लिया कि वो मुझे कराहत महसूस होती थी मुझे उनकी लम्स से, तो तुम्हें यह हक कैसे दे दूं मैं? पता है हारून, तुम्हें और एक तवाइफ में कोई फर्क नहीं है। तवाइफ तो फिर भी मजबूरी का टैग लगा के अपने आप को मजलूम साबित कर लेती है। तुम क्या जवाब पेश करोगी अपने बिकने पे? सकीना, प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो। हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं चाहते हुए भी उस भंवर में धंसता चला गया, फंसता चला गया। बस करो हारून, सड़क पे आ गए थे क्या तुम? वाके करने लगे थे? कोई वजह भी एक मर्द को मजबूर नहीं कर सकती। मैं एक कमजोर लड़की हूं, सड़क पे आने के बावजूद, बाकी करने के बावजूद मजबूर नहीं हुए तो तुम कैसे मजबूर हो गए? भूल जाओ सब कुछ, मैं भी भूल जाऊंगा, बल्कि भूल चुका हूं, छोड़ चुका हूं सब कुछ। यकीन करो सकीना, कि मैंने तुम्हारी खातिर अपना रास्ता बदल लिया और तुमसे शादी के बाद में तुम्हें शादी? कौन सी शादी? तुमसे शादी कौन करेगा? तुमसे शादी तुम्हारी असलियत जानने के बाद? मैं तो हरगिज नहीं करूंगी। मैं जो हलाल रोटी कमाने के लिए सब ऐशो आराम छोड़ के अपने टीबी कैंसर मारे बाप की सीलन ज्यादा घर में गई, अपने आप को मुफलसी मोहम्मद खूब की पट्टी में छोड़ नहीं हारू, इन डेढ़ दो सालों की मेहनत मुशक्कत ने मुझे तपा के कुंदन बना दिया है। कुंदन, तुम जैसा पत्थर से भी गया गुजरा शख्स मेरे काबिल कैसे हो सकता है? मैं खुद को तुम्हारे काबिल बना लूंगा सकीना, मेरा यकीन करो। अपने ऊपर लगा दम कैसे उतारोगे हारून सफदर? मैं सर से लेके पांव तक बदल दूंगा खुद को। अपने अंदर को कैसे बदलोगी हारून? नहीं, तुम्हारी बजाय मैं एक मजदूर को अपने काबिल समझूंगी, जिसके हाथ मट्टी और पत्थर उठा उठा के चालों ज़दा हो गए होंगे। ऐसा मत बोलो सकीना, इतनी जल्दी फैसला मत सुनाओ। मैं तुमसे वादा नहीं कर रहा, बल्कि कसम खा रहा। नहीं हारू, मुझे मोहब्बत नहीं इज्जत चाहिए, जो कि तुम देने के काबिल नहीं रहे। जितनी देर मेरे सामने रहोगे मेरी नफरत बढ़ती चली जाएगी। क्या करोगे इतनी नफरतें समेट के? मुझे तो ये सोच के खुद से भी नफरत हो रही है कि मैंने तुम जैसे शख्स से मोहब्बत की। छी,
अरुण क्या क्या हुआ है? अरुण बैठ बैठ, होश कर यार, क्या हुआ है बताना यार। थूक दिया उसने मुझ पे। हनीफ, उसने थूक दिया मुझ पे। वो थूक रही थी, बल्कि तेजाब के छींटे थे जो मेरे अंदर गिरे। हाँ, मैं गलत था, पर वो समझती क्यों नहीं कि उसके लिए मेरी मेरी मोहब्बत गलत नहीं थी यार। हाँ, मैं खालिस नहीं, लेकिन उसके लिए मेरी मेरी मोहब्बत तो खालिस थी यार। वो मुझे ठोकर मार लेती, मुझे जलील करती, लेकिन उसने मेरी मेरी मोहब्बत को क्यों ठुकरा दिया यार, बता ना। हौसला कर यार, खा ले, रात से बुखार में जल रहा। तू तुझे क्या पता कि मैं किस आग में जल रहा हूं? ये पकड़, कहीं तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए तेरी। ये ले। नहीं, तेरा ग्लास नापाक हो जाएगा। वो कहती है मैं नट्स गलीज हूं। भूल बातें नहीं कर, खा ले। तो क्या वो झूठ कहती? बता ना हनीफ, वो गलत कहती है ना? मैं नट्स और गलीज नहीं हूं ना, मैं पाक साफ हूं ना, है ना? यार तूने दवाई खानी है तो खा, मुझे देर हो रही है।
यानी कि तू भी यही समझते कि मैं गलत हूं। देख, तू मेरा दोस्त तब भी था जब तू इस दलदल में कूद रहा था। जब मैं तेरे बारे में सोचता था मुझे खौफ महसूस होता था, क्योंकि मैं जानता था तू नेक माँ बाप की औलाद है, वक्ती तौर पे बहक गया है। मेरी माँ ने बचपन में तुझे जो पाकीज़गी के सबक पढ़ाए होंगे, जो सूरतें पढ़ पढ़ के तेरे कानों में फूंकी होंगी, मुझे पता था एक दिन वो जरूर रंग लाएंगी, तू जरूर पछताएगा। और मुझे पता है कि तू सकीना के मामले में कितना संजीदा था, जिस पर भी अफसोस है, लेकिन मैं सकीना को गलत नहीं समझता। क्या? यानी उसने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल ठीक किया है ना? उसकी नजर से देखो ना तो वो हक पर थी। इस तरह की लड़की का इसी तरह का रिएक्शन हो सकता है? याद है तुझे कितना अरसा उसने अपने बाप को बाप तस्लीम नहीं किया था, न बाप समझ कर मुखातिब किया। वो आम लड़की नहीं है, लेकिन अपने लिए तो पस्ती वाला मुकाम पसंद किया और दिल बहुत ऊंची हस्ती से लगा बैठे। हाँ वाकई दिल बहुत ऊंची जगह लगा लिया मैंने, वो सच कहती कुंदन है। और मैं एक पत्थर, और पत्थर को तो ठोकर ही मारी जाती है ना, फिर क्या गलत किया उसने मुझे ठोकर मार के। चल पकड़, खा ये रहे, पकड़ ना ये रहे। ससीना हम बंदे कौन होते हैं किसी पर फतवे लगाने वाले, उसको जहन्नमी या गुनाहगार करार देने वाले। काश यार तूने अल्लाह के डर से तौबा की होती। आप मुझे यहाँ जबरदस्ती कैद करके नहीं रख सकती। मुझे तुम्हें कैद करने का शौक भी नहीं,